अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस किसान आंदोलन के कवरेज के खास स्पॉन्सर है इरफान हदीस अंसारी, चेयरमैन प्रभाग समिति 4 भिवंडी कॉरपोरेशन, और वसीम अंसारी, कॉरपोरेटर भिवंडी कॉरपोरेशन। और हम यहाँ पे अभी फिलहाल जो मेन स्टेज है उसके ठीक पीछे खड़े हैं, और इधर पे देखेंगे तो एक भूख हड़ताल का है, यहाँ पे एक मंडप लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है। यहाँ पे हरियाणा से, यहाँ पे जो हरियाणा के जो किसान हैं उन्होंने यहाँ पे भूख हड़ताल की है। शहीद फिरमान दल किसानों के हक में भूख हड़ताल, यहाँ पे भूख हड़ताल के लोग यहाँ पे बैठे हुए। देखिए हमारे साथ में जो शहीद फेरूमल संस्था है तो उसके प्रेसिडेंट बैठे हैं, और ये 13 तारीख से भूख हड़ताल पर है, और ये सिर्फ पानी पे ही है। और अभी इनका क्या कहना है हम उनसे ही बात करेंगे थोड़ा सा। कि सर बताइए थोड़ा सा कि ये जो आप किसानों के लिए जो बैठे हैं यहाँ पे, तो ये कब से बैठे हैं और कब तक बैठेंगे? आपके श्रोताओं को जय श्री राम जी, बोले सोनिया, सत श्री अकाल जी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी, मैं महंत जसबीर दास जी, प्रेसिडेंट शहीद फेरूमान दल ऑल इंडिया जी। हमारे जो फेरूमान जी थे उनका नाम दर्शन सिंह फेरूमान था जी, उन्होंने पंजाब के लिए 74 दिन का मरण व्रत रखा था और व्रत के ऊपर शहीद हो गए थे। और उसके बाद मेरे पिताजी ने 44 दिन का मरण व्रत रखा था। उसके बाद उस समय की सरकारों ने उनको ये आश्वासन दिलवाया था भी आपकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। मांगे क्या थी? मांगे थी भी किसान का जो आत्महत्या कर रहा है उसको रोका जाए, किसान की मांगे पूरी की जाए, पंजाब का चंडीगढ़ पंजाब को मिले, पंजाब इन स्पोकिंग एरिया पंजाब को मिले, पंजाब का पानी पंजाब को मिले, और पंजाबों के हित के लिए जो हाँ, और पंजाब के जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले। वो उसके बाद सरकारों ने मांगों को आश्वासन दिला के भी हम मांगेंगे मानेंगे, उनका व्रत ख़त्म करवा दिया। 44 दिन का मरण व्रत था जी। बाद में सरकारें अपनी बातों से मुकर गई। अच्छा। और वो 2002 में मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए जी। उसके बाद ये संस्था की बागडोर मेरे ऊपर आ गई। हमारे ऑल इंडिया रजिस्टर्ड है जी, ऑल इंडिया में हमारे प्रेसिडेंट हैं, और उस दिन हमने ये स्टेज से अनाउंस किया था भी हम आज से व्रत शुरू कर रहे हैं, और 10 दिन का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं केंद्र सरकार को भी, अगर 10 दिन के अंदर अंदर ये काले कानून वापस ले लिए तो ठीक है, नहीं तो 10 दिन के बाद हम मरण व्रत पे हो जाएंगे। हमें 9 दिन हो गया जी, हमने अन्न का एक भी दाना नहीं लिया, बिना दाने से बैठे हैं, सिर्फ पानी ले रहे हैं और नींबू पानी ले रहे हैं। 23 तारीख के बाद हम वो भी बंद कर देंगे। ये अंधी बोली सरकार है जो आंखें बंद करके सो रही है, हिंदुस्तान की जनता की कोई परवाह नहीं है, उसको जगाने के लिए हम ये करने जा रहे हैं जी। और हिंदुस्तान की जो जनता है उसको बताने हैं भी ये जो कानून लाए गए हैं ये हिंदुस्तान के किसानों के लिए को ख़त्म करने वाले कानून नहीं है ये। वो तो किसान तो ख़त्म हो गया ही होगा, इससे हिंदुस्तान की जनता भी ख़त्म होगी। गरीब जनता जो है वो भी ख़त्म, गरीब नहीं जी, सारी जनता ख़त्म होगी। क्योंकि जब किसान रहेगा नहीं वो खुदकुशियां करके अपनी ख़त्म कर लेगा अपने आप को, तो अनाज कहां से आएगा? जब अनाज ही नहीं आएगा तो हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो कहां से खाएंगे? वो भूखमरी से मरेंगे जी। हमने तो वो 9 दिन से दिखा दिया भी आगे आने वाले 2 साल के बाद इंडिया का क्या भविष्य है। वो ये भविष्य है भी मोदी के कारण हिंदुस्तान भूखमरी से मरेगा। और मोदी जी से अपील भी करूँगा भी मोदी जी, हमारे हिंदुस्तान का एक ये रहा है पुराना भी, सुबह का भूला घर को वापस, शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो मोदी जी को अभी भी आप वापस आ जाइए, कहीं ये ना हो आप चाहते हो हमारा सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाए, आपका सुनहरे अक्षरों में नहीं काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, आपको कोई भी याद नहीं करेगा यहाँ पे अगर आपने ये कानून वापस ना लिए, क्योंकि हिंदुस्तान ही तबाह हो जाएगा। अंकल The government is telling that farmers are illiterate and they are just alleging that people are the son of farmer, the children of farmers are illiterate. They better just go and sit at home, do not protest. So what you are telling about that? Regarding that, beta, I want to give a message to our honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi, yes, that we are not illiterate, we are the son of farmers. Yes. My father is sleeping in the open air here in the protest, and will I sleep? I will go and sleep in my house? Not at all, it's not possible. He's giving. People are sleeping on road, that doesn't mean they are illiterate. It doesn't mean that they are illiterate. You are telling that the bill language they can't understand. So let them come here, Mr. Narendra Tomar. We will teach him. He must do his homework well. Then he will come to know what is what. Because he's the prudent PM. And prudent
कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री आल्सो एग्रीकल्चर मिनिस्टर यूज टू कॉल देम फ्रॉडेंट बिकॉज दे आर इमोशनल ब्लैकमेलिंग दे आर डूइंग बाय दिस टाइम. वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम, वी डोंट वांट एनी सिंपैथी फ्रॉम दैट साइड. Everybody is coming and asking us. There are 60 MLAs of Haryana. Now so they came for sport. Just one thing. Just last question. I'll ask you that whether you are a farmer or not. I am farmer only. Achha, I can show you my yes. I am ex-servicemen also. I belong to Sonipat only. Okay. And they were telling these Akalis, na, and Khalistani. So these are mastermind of that. Our Khattar, Mr. CM is a bloody Khattar. He is telling our this bade bhai. You are from Haryana or Punjab? No, I am from Haryana, district Sonipat, and my village is there in Nara, district Sonipat. So you might have voted for the Khattar, na? No, I have not voted Mr. Khattar. नजरिए को बनाते हैं हमारे एरिया से कभी जी, जी. जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके MPs MLAs को नहीं चुनते हैं हम. ये इज जस्ट आवर यू कैन से कि हमारा ट्रेडिशन इज देयर इन सोनीपत रोहतक डिस्ट्रिक्ट. देयर 42 विलेजेस ऑफ आवर सरनेम दैया गोत्र के. तो हम वी नेवर यूज टू सिलेक्ट देम. हाँ या वी आर बायकॉटिंग देम. वी वर द सपोर्टर्स आवर एल्डर्स होल्डर्स वर सपोर्टर ऑफ दिस कांग्रेस बट नाउ दैट कांग्रेस हैज अरबपति उनको खरबपति बनाना चाहता है अंबानी एंड राजस्थान. सो ही हैज टेकन पंगा विद दूध वाला. ये अपने आप को चाय वाला बोलता है. नाउ ही हैज टेकन पंगा विद दूध वाला. इसको हम बताएंगे. He has to face the consequences now. We will not go. This black bills he has sent to us. And this black bills and हमारे ये उसके तबाही के वारंटी इन्होंने भेजे हमारे को. We will not accept them. We will यानी सिरे से इनको खारिज करवा के ही जाएंगे. This is our motto. Our dead bodies will go to our homes. No, don't worry. That day will not come. Not at all. Okay. Thanks for talking with us. Yes.